ये तो मतलब कितना खूबसूरत है, जस्ट लाइक आई लव इट। मैं आपको ना इस वीडियो में इन सारे क्रिस्टल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ये कौन सा क्रिस्टल है, ये कौन सा क्रिस्टल है, ये खूबसूरत क्रिस्टल, ये कौन सा क्रिस्टल है और ये क्या करते हैं। ये एक मेरा नया ऑब्सेशन है, पहले मैं इससे शुरू करता हूँ एंड उसके बाद आई एम गोइंग कम टू दिस वन। ओके, दिस इज़ अ मैलाकाइट। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से करना चाहते हैं। उससे पहले नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। अगर आप मुझे जानते हैं इनक्रेडिबल, अगर आप नहीं जानते, आई एम द फाउंडर ऑफ स्किप बाय पारस इंस्टेड मफिन। मैं आयुर्वेदा के बारे में बहुत जानता हूँ, आई हैव माय ओन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आई एम अ रीकी हीलर, आई एम अ सर्टिफाइड रीकी हीलर। मुझे क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा रुचि है। मैलाकाइट उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपका डिवोर्स था, बहुत बुरी चीज़ हुई आपकी, आपकी शादी की वजह से, योर एंटायर लाइफ केम क्रम्बलिंग डाउन, यू नीड टू रीस्टार्ट। अगर आप अल्कोहल का इशू है, लाइक माई डैड, उनके पास ज़िंदगी में समय सब कुछ है पर अल्कोहल की वजह से उनको कुछ भी इन्जॉय नहीं कर पाते। ही वॉन्ट्स टू री स्टार्ट हिज लाइफ, रीबर्थ। अगर आपको ऐसा लगता है कि करियर के हिसाब से यू वॉन्ट टू कम्प्लीटली स्टार्ट फ्रेश, यू वॉन्ट टू डू समथिंग कम्प्लीटली न्यू, मैलाकाइट जो क्रिस्टल है बेसिकली ये है ही, इट्स द क्रिस्टल ऑफ रीबर्थ। कई बार ऐसा होता है हम अपने बुरी हैबिट्स को तोड़ना चाहते हैं पर तोड़ नहीं पाते, हमारे में वो क्षमता नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, वी वी फील लाइक वी नॉट एबल टू। हम करना चाहते हैं, वी नो वी वांट टू डू इट, डाइट पे जाना चाहते हैं, हम सोचते हैं नो शुगर, ये वो कुछ कचरा नहीं खाएंगे, पर कहीं ना कहीं हम स्लिप हो जाते हैं, आपकी डिटर्मिनेशन कम होती है, इसलिए तो आपके दिमाग में जो एक निश्चय है वो दृढ़ निश्चय नहीं बन पाता। एंड मैलाकाइट इज फॉर एग्जैक्टली दैट, आपके रीबर्थ में आपकी मदद करें। मतलब अगर आप अपने ज़िंदगी कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो आप बिल्कुल ही रीस्टार्ट करना चाहते हैं, मैलाकाइट उसके लिए होता है। तो ये वाला क्रिस्टल मैं हमेशा नहीं पहनता हूँ, आई वेयर मैलाकाइट जब मैं कुछ ऐसी दौर से गुजर रहा हूँ जहाँ पर मुझे कुछ फिर से शुरू करने की ज़रूरत है, दैट्स द मैलाकाइट। मैं आपको टूरमलिन के बारे में बताता हूँ, राइट। पाइराइट के बारे में मैंने इतना कुछ बोला है हमेशा, पाइराइट के एक्चुअली मैं पाइराइट बहुत ज़्यादा करता हूँ, ईयरिंग्स ये वाले मेरे पास हमेशा एक कम में तो होता ही है, पाइराइट के भले ही ब्रेसलेट हो, नेकलेस हो या अंगूठी हो। पाइराइट ऑब्वियसली इज़, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा चाहते हैं, बहुत शोहरत चाहते हैं, पाइराइट इज़ फॉर दैट। ओके, जस्ट लुक एट हाउ गॉर्जियस दिस क्रिस्टल इज़। इस क्रिस्टल की जो लिटरली जो चमक धमक है, जस्ट इनक्रेडिबल, बिकॉज क्रिस्टल इज़ फॉर वेल्थ, आपकी ज़िंदगी में पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्रिस्टल है ही। वास्तु, क्रिस्टल हीलिंग और रेकी के हिसाब से कैसे क्रिस्टल जो आपकी पूरी, जो आपका माइंडसेट है वो इसमें बदल देगा कि आप हमेशा रिच कैसे रहें, अबंडेंस में कैसे रहें, लग्जरी में कैसे रहें। मेरे तो पूरे घर में पाइराइट हर जगह है, बिकॉज पाइराइट ने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली। अगर आप मुझे जानते हैं, अगर आप मेरा नाम डाल के पारस तो मैं डाल के पाइराइट की वीडियोज़ देखेंगे यूट्यूब पर, यूल सी अ लॉट ऑफ वीडियोज़। ले आइए अपने घर पर, जस्ट कीप इट इन द नॉर्थ कॉर्नर ऑफ योर हाउस, या पहन लीजिए। एंड आई होप कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा आने लग जाए। एंड आई होप, मेरे को बहुत खुशी होती है जब इसके बारे में मुझे इतने सारे लोग होते हैं, भाई हमने पायरेट आपसे लिया एंड वी स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, आई थिंक इट्स माय फेवरेट वन। तो मैंने इसके बारे में बहुत वीडियोज़ बनाए, सो दिस वन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट आई वांट टू टेल यू, बट दिस इज अ टूरमलिन, अ ब्लैक टूरमलिन। यू नो, मैं वो एक कहावत है कि अगर मुझे लगता है कि मैं जंगल के शेर को नहीं खाऊंगा तो मुझे क्यों खाएगा। कहने का तात्पर्य है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, वो लगते हैं भाई हम अच्छे हैं लोग हैं, हम किसी और को इरिटेट नहीं करते, किसी और को बुरा नहीं सोचते, किसी और को बुरा करते नहीं, तो हमारे लिए कोई बुरा क्यों करेगा। आई विश ऐसा होता, पर कभी कभार काफ़ी लोग आपसे जेलसी से, ईर्ष्या से आपके ऊपर काला जादू कर सकते हैं, मंत्र मार सकते हैं, आपको नज़र लग सकती है। अब मैं ये सब जो भी बोल रहा हूँ, अगर आपको वास्तु में, फेंग शुई में, नज़र उतारने में विश्वास है फिर ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों में ही विश्वास है तो कोई बात नहीं, डोंट हैव टू बिलीव इट। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं भाई क्रिस्टल अंधविश्वास के बारे में है ना, वो भी से ओके फाइन, बिकॉज हमें किसी को कभी कन्विंस करने की जरूरत नहीं। तो अगर आपको लगता है कि क्रिस्टल्स आर बोगस एंड देयर रबिश, दैट्स फाइन एंड इट्स परफेक्टली ओके। बट अगर आप मेरे जैसे, फॉर एग्जांपल, वास्तु, फेंग शुई, नज़र उतारने में बिलीव करते हैं, जैसे हमारे मेरी हिंदू प्रैक्टिसेज में हमें हमेशा नज़र उतारने की जो प्रक्रिया है वो सिखाई गई थी। ब्लैक टर्मलिन आपको नेगेटिविटी से बचाता है। नेगेटिविटी मतलब एक दूसरा क्रिस्टल है, ब्लैक ऑब्सीडियन, जो मेरे पास अभी नहीं है, वो बेसिकली ऐसा ही दिखता है ऑब्सीडियन बट काला होता है। ब्लैक ऑब्सीडियन आपको बाहर की नज़र उस सबसे बचाता है। टर्मलिन दो चीज़ें करता है, आपके आसपास एक नेगेटिविटी है और नेगेटिव लोग हैं, आपको उनसे दूर करने लग जाएगा। जो दूसरी चीज़ टर्मलिन करता है, विच आई एब्सोल्युटली लव, इज ये आपकी खुद की नेगेटिविटी को बाहर, मतलब उसको रोकता है, उसको ठीक करता है। आप बुरा सोचते हैं, आपको सोचते हैं हमेशा बीमार हो जाएंगे, आपकी सोच नेगेटिव है, आप जानते हैं कि कई बार आप अपने आप को खुद ही डैमेज कर रहे हैं अपनी सोच की वजह से, आपको ब्लैक टर्मलिन उससे प्रोटेक्ट करता है। ब्लैक ऑब्सीडियन जो दूसरा क्रिस्टल है, दैट इज फॉर द आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बट ब्लैक टर्मलिन इज फॉर योर ओन सेल्फ। थोड़ा सा नाइव साउंड करता है, पर मैं सच्ची उन लोगों में से हूँ जो ऐसा बिलीव करते हैं मैंने किसी को नहीं छेड़ा तो मुझे क्यों छेड़ेगा। इसलिए मेरे जितने भी तीनों क्रिस्टल्स हैं, दे आर मोस्टली अबाउट माई ओन सेल्फ, पाइराइट,
जो मुझे हमेशा फोकस रखे मटीरियलिस्टिक वेल्थ में. बाय दैट इज नथिंग टू विद स्पिरिचुअलिटी, लव, ये वो, वट एवर. इट्स सिंपली फॉर फाइनेंशियल गेन्स, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, वो सब जिंदगी में जो मुझे चाहिए अच्छा लगता है. बिकॉज रियली मेरा ये भी मानना है, आप सोसाइटी की मदद तब ज़्यादा कर सकते हैं जब आपके पास खुद बहुत सारी चीज़ें हैं. वो कहते हैं ना कि प्लेन में अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाइए किसी और की मदद करने से पहले. तो आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी ज़िंदगी तो इसने बहुत बदली. टर्मलिन, खुद के मेरे विचार बुरे ना हो, खुद के मेरी किसी और से ईर्ष्या ना हो, खुद के मैं कभी ऐसा हो जो ना लगे कि मैं किसी और की उन्नति या प्रगति देखकर जलूं, खुद मैं सिर्फ अपनी ही बातों पर फोकस करूं, अपनी सक्सेस पर फोकस करूं. किसी और की ज़िंदगी में सक्सेस हो रहा है तो मुझे कोई इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए उससे, जो मेरे साथ काफ़ी होता है. आई डोंट रियली केयर अबाउट अदर पीपल्स सक्सेस और फेलियर. फेलियर में मैं उनका साथ दे दूंगा, पर सक्सेस अदर पीपल्स. एक वो नहीं होता फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरी जिंदगी में वो कभी नहीं था. बिकॉज मुझे जो भी लगता है, मैं जो अपने आप कर रहा हूँ, मेरे खुद का यूनिवर्स बहुत अच्छा है. आई थिंक ऐसे इंसान के लिए ब्लैक टर्मलिन इज अमेजिंग, कि अगर आपका खुद का ही यूनिवर्स है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो. एंड द लैबराडोराइट विच इज द स्टोन ऑफ ग्राउंडिंग, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, दिस आई स्टार्टेड रियलाइजिंग अ लॉट, यू नो, कि आप जैसे जैसे सेटल होते हैं लाइफ में, जिंदगी में काफ़ी लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, कभी कभी आपको ये चीज़ ईगो पर चढ़ जाती है. लैबराडोराइट इज अ स्पिरिचुअल कॉन्शियस स्टोन. ये मैंने सच्ची देखा है, जितने भी एक्चुअल सक्सेसफुल लोग होते हैं, दे डोंट हैव ईगो, दे डाउन टू अर्थ, दे वेरी चिल. उनके आस पास के लोग, उनके जो नीचे लोग करते हैं, वो ज़्यादा ईगो फेंकते हैं, राइट. आई थिंक लैबराडोराइट इज इनक्रेडिबल, बिकॉज ये आपको हमेशा, आपका सर भले कितना आसमान में हो, आपके पैर हमेशा ज़मीन में रहेंगे. आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज सो इम्पॉर्टेंट. आप में से काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि ये तीन रिंग मैं ऐसे क्यों पहनता हूँ, या अगर आप में से, आप में क्रिस्टल्स नहीं है, मेरी वेबसाइट sadmafit.com पे, जहाँ पे सिर्फ सर्टिफाइड क्रिस्टल्स है और माय क्रिस्टल सर्टिफाइड, काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसको कौन से दिन पहनना है, यू कैन वेयर इट व्हेरेवर. काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन से हाथ में पहनना है, कौन सी फिंगर में पहनना है, यू कैन वेयर इट व्हेरेवर. क्रिस्टल्स का जैसे जेम स्टोन, रूबी, सैफायर, एमरल्ड, उन सब वो जेम स्टोन्स हैं, ये क्रिस्टल्स हैं. इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने इनको कहाँ पहना है, कैसे पहना है, किस दिन पहना है. आप अपने क्रिस्टल्स को लेंगे, पहली बार आपका जब कोई भी क्रिस्टल आएगा, आप उसे पानी में डाल देंगे 15 मिनट के लिए, जिसमें नमक हो, आपका क्लेंज हो जाएगा क्रिस्टल. क्योंकि वो क्रिस्टल आपके पास आया है, मेरे गोडाउन से आया है, सबकी एनर्जी है, तो आप चाहते हैं कि बाकियों की एनर्जी निकल जाए, जैसे आपकी एनर्जी. तो आपके पहले बार आप जब स्मजिंग करते हैं, आपने पानी में थोड़ा नमक डाला, अपना क्रिस्टल डाला, 15 मिनट के लिए छोड़ दिया. महीने में एक बार आप अपने सारे क्रिस्टल ले लीजिए, कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको चांद की रोशनी आती है, रात भर अपने क्रिस्टल्स छोड़ दीजिए. जैसे आपकी बैटरी रिचार्ज करते हैं ना फ़ोन की, आपके क्रिस्टल्स ऐसे रिचार्ज हो जाएंगे. अगेन, जाने से पहले आई ऑलवेज से दिस टू एवरीवन, अगर आपको क्रिस्टल हीलिंग, रेकी, वास्तु, फेंग शुई, नज़र उतारना, मंत्र, इसमें तो गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा फेवरेट, मतलब मेरे, यू नो, जब डर लगता है ना, विश्वास से भगवान जी का नाम निकलता है. तो अगर आप मेरे जैसे जिन्हें इन चीज़ पर विश्वास है, देन आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक. एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं है, आई नेवर ट्राई टू कन्विंस एनीवन. इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. गो ऑन द वेबसाइट, गो टू sadmafit.com. क्रिस्टल्स का जो सेक्शन है, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं वहाँ पर. यू विल लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग, यू विल लर्न समथिंग न्यू, आपको बड़ा मजा आएगा. एंड पिक योर फेवरेट क्रिस्टल. क्रिस्टल को पिक करने का भी तरीका ऐसा होता है, जो क्रिस्टल आपको भा जाए, आप जब फोटोज भी देखेंगे, कोई ऐसा क्रिस्टल होगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इट मीन्स दैट क्रिस्टल इज कॉलिंग यू. तो उसके बाद में ज़्यादा पढ़ना. मेरी जितनी भी रिंग्स हैं सब एडजस्टेबल हैं, मतलब आप अपने आप, यू नो, वी हैव रिंग्स, वी हैव ईयर रिंग्स, वी हैव नेकलेसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, की चेन्स हैं, काफ़ी चीज़ें, ओपलाइट की चेन जो काम में काफ़ी इस्तेमाल होता है. रीड अबाउट क्रिस्टल्स, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. बहुत मज़ा आता है क्रिस्टल्स के साथ. एंड आई थिंक मेरे लिए जो क्रिस्टल्स जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे हमेशा लगता है भाई, अगर आप ज्वेलरी पहनने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ पहनो जिससे कुछ हो भी, राइट. बट जो दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, आई थिंक क्रिस्टल्स ना आपके विश्वास को बना कर रखते हैं. अच्छी चीज़ों में आपको अहंकार नहीं होता, बिकॉज मैंने कुछ अच्छा कर दिया, अदरवाइज मैं सोचूंगा मैंने किया. क्रिस्टल से मुझे लगता है थैंक यू, भगवान ने मेरी मदद की, किसने मेरी मदद की, थिंक इट कीप्स योर ईगो इन चेक. जो दूसरी बात है, व्हेन आई वेयरिंग अ क्रिस्टल ना, जैसे मैं पायराइट पहनता हूँ, मुझे हमेशा फोकस याद रहता है कि मेरा गोल है. आई थिंक इट हेल्प्स मी फोकस अलॉट. सो आई होप, अगर आप क्रिस्टल्स की जर्नी मेरे साथ शुरू कर रहे हैं, आई होप यू हैव एन इनक्रेडिबल टाइम. एंड क्रिस्टल जब आते हैं, एवरी वन ऑलवेज सेम शेप कैसा होगा, साइज होगा, हर क्रिस्टल अलग होता है. आई हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि मेरे क्रिस्टल्स एज नेचुरल, मतलब आपको हर रिंग की शेप अलग होगी, उस पर साइज वाइज रफली सेम होंगे, बट यू नो दे विल ऑल बी डिफरेंट बिकॉज द क्रिस्टल्स आर लाइक दैट. एंड काफ़ी लोग कई बार बोलते हैं यार हमने क्रिस्टल अगर ले लिया वो टूट गया तो उससे क्या होगा. डजंट मैटर, क्रिस्टल इज फाइन, बिकॉज अब ये जो क्रिस्टल का पीस है भी किसी बड़े पीस तोड़ा ही हुआ है, राइट. तो ये आपके दिमाग की बात है. अगर ये रिंग मेरे पास आ जाओ, अगर 6-7 महीने में क्रिस्टल टूट जाए, आपको उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, आपके पास दो क्रिस्टल हैं, अच्छी बात है.
वो अंधविश्वास होता है कि कुछ गड़बड़ होगी, योगिक हो गई, या लोग आपको ऐसा बोलते हैं जैसे कि आप ज़्यादा क्रिस्टल खरीदें, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका क्रिस्टल टूट गया तो आपने जो पहना था वो भी किसी बड़े क्रिस्टल का टूटा हुआ पार्ट ही था, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। एंड आई डोंट नो, लाइक आई थिंक जस्ट हैविंग सम अमाउंट ऑफ फेथ डज अ लॉट ऑफ थिंग। जाके पढ़िएगा, आई थिंक यू विल एंजॉय योर जर्नी विद क्रिस्टल्स। हाँ, मेरे को तो उसका कलर कितना प्यारा लगता है यार। ऐसा करते हैं मेडिटेशन में ना, मैं कई बार ऐसा होता हूँ, मैं जब मेडिटेट कर रहा होता हूँ आंखें बंद करते हैं, यार आई बी लुकिंग एट इट बिकॉज इट्स सो अमेजिंग, लाइक यू सी अ होल यूनिवर्स, एक पूरा ब्रह्मांड होता है इसके अंदर। आई लव इट, बिग पिक्चर। एसआई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं स्टडमफिन.com पर।